हे एवरीवन, आप अगर मीठे में कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर मेरी ये एप्पल रबड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वैसे तो दूध की प्लेन रबड़ी अपने आप में ही एक डिलीशियस डेजर्ट है, पर इसमें सेब मिलाकर इस डेजर्ट को आप और भी अमेजिंग और साथ ही साथ हेल्दी भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं एप्पल रबड़ी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी और फिर फ्लेम को लो पे करके डालेंगे 2 कप यानी आधा लीटर के करीब फुल फैट दूध। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर लेंगे और दूध में 1 उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर ले और दूध को करीब 20 से 25 मिनट के लिए हमें बीच बीच में लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पका लेना है। मैंने दूध डालने के पहले घी का यूज़ इसलिए किया है ताकि दूध तले में और साइड्स में चिपके नहीं। ये एक ज़रूरी टिप है जिसे आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत से लोग दूध डालने के पहले पानी का भी यूज़ करते हैं, बट ये टिप ज़्यादा सही काम करता है मेरे लिए, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो क्वांटिटी का यूज़ मैं कर रही हूँ वो 2 लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप 4 लोगों के लिए इसे बना रहे हैं तो आप आधे लीटर की जगह 1 लीटर दूध का यूज़ करें और बाकी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा भी डबल कर लें। चलिए जब तक ये दूध पक रहा है तब तक आमंड्स के स्लीवर्स यानी आमंड्स के लंबे लंबे कतरन को हल्का सा घी में रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन को गर्म कर लें और डालें बिल्कुल थोड़ा सा घी और फ्लेम को लो पे कर डालें आमंड्स के स्लीवर्स। आमंड्स मैंने 12 से 15 लिया है और इसे पतला पतला कट कर लिया है। आमंड्स यानी बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पर आधे से 1 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं बादाम का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन सा आ गया है, तो इसे निकाल कर साइड कर लेते हैं। अब सेम पैन में डालेंगे 1/2 से 1 टेबल स्पून के करीब घी। जब घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो पे कर ले और फिर इसमें डालें 1 कद्दूकस या घिसा हुआ एप्पल। ध्यान रखिए कि एप्पल को पकाने के ठीक पहले ही इसे घिसकर हमें रेडी करना है, नहीं तो ये भूरे हो जाएंगे। ये है एप्पल के लिए पहली टिप। और दूसरी टिप ये है कि आपको बिल्कुल फ्रेश और मीठे एप्पल ही लेने हैं एप्पल रबड़ी बनाने के लिए, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सेब को लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है या तब तक जब तक सेब अपना पूरा पानी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं सेब अच्छे से पक चुका है और ड्राई भी हो चुका है, तो जब सेब पूरा ड्राई हो जाए तो इसे साइड में ठंडा करने के लिए रख लें। इधर दूध भी गाढ़ी हो गई है तो लो फ्लेम पर ही इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो अब इसमें डालेंगे 2 या 2.5 टेबल स्पून के करीब चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, पर 2 टेबलस्पून काफ़ी रहेगी। चीनी डालने पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो गई है, तो इसे अच्छे से दूध के साथ मिला लें। थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डालें 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। इसे भी अच्छे से इसके साथ मिला लें। अब जो आमंड्स हमने रोस्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस बंद कर ले और इसे भी ठंडा या रूम टेम्परेचर में आने तक छोड़ दे। रबड़ी और सेब दोनों ठंडी हो चुकी है तो अब सेब को रबड़ी में ऐड कर लेते हैं। दोनों को अच्छे से मिला ले। रबड़ी और सेब को हमें पूरा ठंडा करके ही एक दूसरे के साथ मिलाना है। गर्म ही अगर मिला लेते हैं दोनों को तो रबड़ी फट जाएगी, तो एप्पल रबड़ी बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। एप्पल रबड़ी में अच्छे से मिल चुकी है और रेडी हो चुकी है हमारी एप्पल रबड़ी की ये डिलीशियस डेजर्ट। एप्पल रबड़ी को सर्व करने से पहले लगभग फ्रिज में इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा कर ले, फिर इसे सर्व करें। ठंडी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस सिंपल सी रेसिपी को आप जब भी मीठा खाने का मन करे जरूर बनाएं और फेस्टिवल्स में तो रबड़ी हमारे घर पर ज़रूर बनती है, तो ये रेसिपी बनाएं और अपने डेजर्ट को हेल्दी बनाएं। अगर आपको मेरी ये एप्पल रबड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो
तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, टेक केयर।